जनपद उन्नाव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा जनपद उन्नाव के गंगा घाट में मरहला चौराहे पर लगाने को लेकर युवाओं ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा तथा मौके पर मौजूद सदर विधायक पंकज गुप्ता ने भी अपनी सहमति दर्ज करते हुए खंड विकास अधिकारी को स्थान चयनित करने हेतु ज्ञापन अग्रेषित किया। मेन रोड पे कह रहे हैं, किस पे कह रहे हैं? चौराहे पे तो स्थल परमिशन लेनी पड़ती है ना, फिर पीडब्ल्यूडी वगैरह की है। यहाँ पर अगर आप कहते तो मैं करवा भी सकता था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका आप जो मुझे दे रहे हो इसका पत्र बना के मैं जिलाधिकारी महोदय को भेज देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखिए जो रोड सेफ्टी एक्ट है उसमें जो भी मेन रोड के किनारे, इवन हम किनारे की जो डिवाइडर है उसमें सफाई भी नहीं कर सकते, इसके लिए जो नियम है पीडब्ल्यूडी करवा सकती है, उसके लिए परमिशन आती है और कोई मूर्ति लगने के लिए पहले एसडीएम परमिशन देते हैं, तो उसके पहले करा के मैं इसको करा के बिल्कुल आपका पूरा प्रयास करूँगा। बहुत अच्छी बात है कि सही चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आप लोग सोचते हैं, पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनके विचारों को भी अपनाएंगे और अपने आप को सशक्त बनाएंगे, खासकर शिक्षा के माध्यम से और बढ़िया अपने क्षेत्र का पूरा सर्वांगीण विकास करने में सहयोग करेंगे। शुक्ला, हम आज हम सभी युवा यहाँ के जितने क्षेत्र के थे, हम सभी युवाओं ने एक योजना बनाई थी और उस योजना को साकार रूप देने के लिए हम सभी आज खंड विकास अधिकारी से हम लोगों की भेंट हुई, उनको ज्ञापन दिया गया है, उनसे मांग की गई है कि मरहला चौराहे पे वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति रखी जाए, क्योंकि वो ऐसा चौराहा है जो तीन जिलों को जोड़ता है, गंगा बैराज से होते हुए कानपुर को, लखनऊ से और इधर भदरका आजाद जन्मस्थली होते हुए रायबरेली को जोड़ता है, तो ऐसी है कि वो वीर शहीद जो उनको उनकी माँ उनके जो विचार है सैकड़ों साल तक जिंदा रहे, शताब्दियों तक जीवित रखने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे मूर्ति की मांग की है और ये मूर्ति आश्वासन दिया है खंड विकास अधिकारी जी ने, वीडियो साहब ने, कि हम जल्द से जल्द इसको शासन द्वारा भेजेंगे, इसको पारित कराने का करेंगे और जल्द शीघ्रता से शीघ्रता यहाँ मूर्ति रखी जाएगी और सब हम सभी युवाओं की ताकत है कि हम लोगों का कार्य सफल होगा। भारत माता की जय।